पिछले 5 साल में योगी राज में जिस तरह की दुर्दशा हुई है प्रदेश में लोगों की, उससे लोग बहुत आहत हैं। मायावती जी जिन ईडी और सीबीआई के केसों में उनके ऊपर है, उनके परिवार जनों पर है, वो इतने गंभीर हैं कि उसको लेकर जो भी सरकार केंद्र में होती है वो उनसे कभी तो राज्यसभा में वोट डलवा लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पास मास्टर स्ट्रोक चुनाव के पहले हमेशा रहता है। नौकरी नहीं मिल रही, बार बार इम्प्लॉयमेंट के इम्तहान पोस्टपोन हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे और महंगाई बढ़ रही है। खाद के दाम, डीजल के दाम, फर्टिलाइजर के, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, उपज का दाम नहीं मिल रहा। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर और आज की चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप नारायण जी, बहुत साल से, दशकों से, बहुत दशक से भ्रष्टाचार विरोधी है और साथ साथ उन्होंने हमारे विरासत, मथुरा का विरासत का संरक्षक भी माना जाते हैं। लंबा इतिहास में ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूँ। 1980 में उन्होंने कालचक्र शुरू किया था। 1990 के दशक में उन्होंने भारत के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। वहां पे सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो पर दबाव बनाने के लिए उनका नाम में एक जजमेंट भी आया, विनीत नारायण बनाम भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जजमेंट के बाद जिस तरह से सीबीआई का निर्देशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो का निर्देशक और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्देशक पूरा तकनीक बदल गया, तो आज से मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव के बारे में कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। धन्यवाद दूसरे का सारे दर्शक को, आपने आपका समय आपने दिया। तो ये आज उत्तर प्रदेश का चुनाव में धर्म, आस्था, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार बनाया जा रहा है, क्यों उठा रहा है? राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास क्या और मुद्दा नहीं है? सिर्फ राम मंदिर क्यों? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में क्या हो रहा है, आगरा में हो रहा है? मेरा सवाल यह है कि ये जो मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, आपका क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव के ऊपर और उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, वोटर्स के ऊपर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए हैं पिछले 6-7 साल में और जो सपने दिखाए हैं वो पूरे नहीं कर पाई है, इसलिए घूम फिर के फिर वो हिंदू कार्ड पे आ गई। राम जन्मभूमि का मुद्दा वो लोग इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उसमें जमीनों के घोटाले बहुत सामने आ गए। अगर उसका जिक्र करेंगे तो फिर वो जमीन घोटाले की बात, चंदा चोरी की बातें आने लगेगी। काशी कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हुआ, बहुत भव्य बनाया, मोदी जी गए, उसका असर है। उसका असर ये है कि जो मध्यम वर्गीय हिंदू है वो इस बात से बहुत प्रभावित है कि बहुत सदियों के बाद हमारे जो तीर्थ स्थल में मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिदें बना दी थी, तो वहां राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और काशी कॉरिडोर बना है, तो उसका उसके ऊपर असर है। ये असर 2017 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता पर भी था। एक हिंदू कार्ड चला था और कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस और कम्युनल, मतलब लोग सब एक तरफ हो गए। लेकिन पिछले 5 साल में योगी राज में जिस तरह की दुर्दशा हुई है प्रदेश में लोगों की, उससे लोग बहुत आहत हैं। तो वो जो संपन्न लोग हैं और जो धर्मनिष्ठ लोग हैं और जो लोग भाजपा के समर्पित वोट बैंक है, वो तो जरूर प्रभावित है। बाकी जो समाज है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए इस चुनाव में धर्म मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और पिछड़ी जातियों की उपेक्षा, ये मुद्दा है। आपने जो पिछड़े जाति के बारे में कहा, जो अन्य ओबीसी, जो अन्य पिछड़े जो वर्ग हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू करके और बहुत सारे विधायक आज सभा में चले गए,
भारतीय जनता पार्टी का कहना कि इन लोगों को तो टिकट मिलना नहीं था, इसीलिए वो चला गया वहां पे। सपा का अखिलेश यादव जी कह रहे कि बहुत हो गया, अभी गेट बंद हो गया। मैं सवाल ये है कि अभी तक लोग कह रहे थे सपा समाजवादी पार्टी वो सिर्फ मुसलमान लोग और यादव समुदाय के लोग उनको वोट दे, MY फैक्टर मुस्लिम यादव। तो क्या आप लग रहे इस बार OBCs अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इस बार सपा के पास जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? ये परिवर्तन आज से 2 महीने पहले इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। 2 महीने पहले तक पत्ते खुले नहीं थे, केवल किसान आंदोलन के कारण जाटों की तरफ से तो ये सूचना थी कि वो इस बार भाजपा के साथ नहीं है। और जैसा पिछली बार 2017 में योगी जी ने और भाजपा ने प्रयास किया था हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक मतभेद पैदा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ उनको मिला था, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक साथ है। पिछड़ी जातियों की बात यह है कि जो ये नेता छोड़ के जा रहे हैं, देखिए एक तो एक चुनावी मौसम में हमेशा ही होता है कि इधर से उधर भागा दौड़ी आयाराम गयाराम चलता है। आपने बंगाल के चुनाव में देखा कितने लोग टीएमसी छोड़ के गए और फिर बाद में जब चुनाव परिणाम विपरीत आए तो फिर वापस आ गए टीएमसी में, तो ये तो चलता है। लेकिन ये उस तरह की सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि टिकट नहीं मिल रहा वो लोग चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्या राजभर का जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी धरती हिला गया है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इनके समर्थन के बाकी नेता गांव गांव तक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात स्थापित तथ्य है कि योगी राज में ठाकुरों को छोड़कर बाकी सबका अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का बहुत अपमान हुआ है, पिछड़ी जातियों का बहुत अपमान हुआ है। तो इसलिए बहुत नाराजगी है भाजपा और योगी महाराज से, इसलिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समझ में आया है कि हमारा जो नेचुरल एलाई है वो समाजवादी पार्टी है। हाँ, अगर बहन जी सक्रिय रही होती इन 5 सालों में तो मायावती जी के साथ भी ये वोट बैंक जा सकता था, लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि जो मायावती जी के साथ मुस्लिम वोट बैंक था वो भी उनको छोड़ गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। और जो उनका दलित वोट बैंक बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड है उनके लिए, उसका भी एक परसेंटेज समाजवादी और आरएलडी अलायंस की तरफ जाने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका वोट अगर मायावती जी की बसपा को जाता है तो वो बेकार रहेगा, क्योंकि मायावती जी उस तरह सक्रिय नहीं दिखाई दे रही, व्यवस्था विरोधी दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए समाजवादियों और आरएलडी और जो और अन्य पिछड़ी जातियों का ये सहयोग बना है ये काफी मजबूत हो गया है। जो आपने अभी अभी बात किया बहुजन समाज पार्टी और मायावती, बहुत लोग आश्चर्य हो गया कि इस बार बहुत लोग को लग रहे कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और मायावती जी ये नहीं मानेंगे, फिर भी बहुत लोगों को लग रहे कि इस बार मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी पार्टी इस तरह से वोट बांट जाएगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी लगा। तो मायावती जी क्या इस बार क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्या? असलियत तो मायावती जी जानती होंगी, लेकिन चर्चा जो दिल्ली के भी राजनीतिक गलियारों में रही और उत्तर प्रदेश में भी वो ये रही कि मायावती जी जिन ईडी और सीबीआई के केसों में उनके ऊपर या उनके परिवारजनों पर हैं वो इतने गंभीर हैं कि उसको लेकर जो भी सरकार केंद्र में होती है वो उनसे कभी तो राज्यसभा में वोट डलवा लेती है और कभी उनसे और से समर्थन ले लेती है परोक्ष रूप से। तो इस बार ये चर्चा बहुत दिन से थी कि मायावती जी उतनी वोकल होकर उतनी आक्रामक होकर मैदान में नहीं आएंगी, उनको इस तरह से समझा दिया गया है कि आप भी टीम की तरह ही काम करें और जिससे कि अगर कल को जरूरत पड़े तो भाजपा उनके मदद से अपनी सरकार बना सके। अब वो कितने सीटें जीतती हैं और कितने और कितने मतदाता उनके साथ रहते हैं ये अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आपने जैसे कहा इससे पहले, मैं इस विषय के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये जो किसान आंदोलन लगातार 1 साल आंदोलन चला, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून रद्द किया, वापस ले लिया, ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। हम मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा,
मगर ये पूरा उत्तर प्रदेश में भी है, अवध इलाका है, जो आपका जो पूर्वांचल है, अलग अलग जगह में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हाँ मैं मानता हूँ, वहां का कृषक दुखी है, अत्यंत दुखी है। दुखी क्यों है? एक तरह से उनका एक संकट के समय जा रहे हैं। यू नो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसानों का हालत काफी गंभीर है। आप गन्ने के बात कीजिए, वो कह रहे हैं हमें दाम मिल रहे नहीं मिल रहे। अब गेहूं को बात कीजिए, गेहूं सड़ रहे गोदाम में, किसान खुद अपने फसल को, गेहूं को जला रहे हैं। तो ये जो कृषि क्षेत्र का जो संकट चल रहा है, जो समस्या चल रहा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है? चुनावी मुद्दा होगा कि नहीं, यही सवाल। देखिए, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में क्यों इस बिल पर पहले खुलकर बहस नहीं करवाई। एक पुरानी प्रथा चली आई है कि इस तरह के बिल जब लाए जाते हैं पास हो जाता है और फिर वो लागू हो जाता, लेकिन जिस तरह झींगा मछली से वो राज्यसभा में भी क्लियर कराया गया लोकसभा में, तो उससे एजिटेशन बना, और एजिटेशन को भी इतने दिन तक देखा गया, चलने दिया गया, रोका नहीं गया, उनसे समझौता नहीं किया गया, तो इससे किसानों में नाराजगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जरूर इस आंदोलन में सक्रिय थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उतने सक्रिय नहीं थे भौगोलिक दूरी के कारण, लेकिन संदेश सब जगह पहुंचा। और लखीमपुर में जिस तरह गृह मंत्री के बेटे ने, टैनी ने, कि जीप चढ़ाकर किसानों को मारा, वो गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए, और उसके लड़के की गिरफ्तारी में भी बहुत समय और हिल उज्जत की गई, तो उससे भी किसान बहुत इमोशनली आहत है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद जिस तरह अखिलेश की यात्रा चली और रात भर लाखों आदमी सड़कों पर अखिलेश का इंतजार करता रहा जाड़े की ठंड भरी रात में, तो उससे ये समझ में आया कि पिछड़ी जातियां और किसान ये सब मिलके एक बदलाव चाह रहे हैं, और इसीलिए वो लोग इतनी बड़ी तादाद में बिना मोबिलाइज किए आए और खड़े रहे। तो इसका जरूर असर चुनाव में पड़ेगा, भाजपा को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। विनीत जी, आपने नोटबंदी के बारे में कुछ में कहा, आपको याद है नवंबर 2016 में, हाँ, नोटबंदी, उसका कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हुई और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वापस आया। 403 विधानसभा सीट है, उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी दल 223 या 234 के आसपास था। उस समय वहां के लोग, गरीब लोग सोचते कि हाँ, ये जो अमीर लोग उनके खिलाफ है मेरे हित में, कि ये मोहल आज, उस समय भी लोग कहा नहीं, ये नोटबंदी का असर आप लोग के ऊपर पड़ेगा, छोटा दुकानदार के ऊपर पड़ेगा, कृषक के ऊपर पड़ेगा, वरिष्ठ नागरिक के ऊपर पड़ेगा, महिलाओं के ऊपर पड़ेगा, उस समय लोग माना नहीं। क्या माहौल अभी बदल गया, लोग का सोच बदल गया कि नोटबंदी के बाद तो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहे 5 साल के बाद? देखिए, एक बात बड़ी रोचक है जो आप भी सीनियर जर्नलिस्ट है ऑब्जर्व करते होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी के पास मास्टर स्ट्रोक चुनाव के पहले हमेशा रहता है। वो जैसे नोटबंदी के बाद बिल्कुल लग रहा था कि बहुत नाराजगी है जनता में, लेकिन आप सही कह रहे हैं, गरीबों को ये बता दिया गया कि अमीरों के खिलाफ है, मगर बाद में हिंदू मुस्लिम कार्ड इतनी जोर से खेला गया कि सारा पोलराइजेशन उसी पर हो गया। जब फिजिकल स्ट्राइक और बालकोट और ये, तो इस तरह के ड्रामे ये पार्टी कर लेती है चुनाव के पहले, और वो अभी भी कर सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है, कर सकती है। मुफ्त की चीजें बांटी जा रही हैं, थोड़ा राशन दे दिया कि टॉयलेट बना दिया कि कुछ गैस सिलेंडर दे दिया, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा, इससे ना तो किसी का जीवन चल रहा है, ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, ना उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा है। तो ये गलतफहमी भाजपा को है कि हमने जो ये खैरात पार्टी है इससे शायद लोग हमसे प्रभावित हो। हाँ, अभी भी सपना दिखाया जा रहा है, अभी भी लोगों को ये सपना दिखाया, जिनको नहीं मिला है वो भी ये कहते हैं कि औरों को मिल गया तो आगे चल के हमको भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए कि जो किसान खाता पीता है, जिसके घर में ट्रैक्टर भी है, मोटरसाइकिल भी है, गाय भैंस बैल भी है, उसके बच्चे बेरोजगार हैं, उसके बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि फौज में पुलिस में भर्ती हो जाए, रात दिन कसरत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बार बार एम्प्लॉयमेंट के इम्तहान पोस्टपोन हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, और महंगाई बढ़ रही है, खाद के दाम, डीजल के दाम, फर्टिलाइजर के, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, उपज का दाम नहीं मिल रहा,
तो ये छोटे छोटी जो रियायतें हैं, ये बहुत जो निर्धन लोग हैं, बिल्कुल निर्बल वर्ग के, उनको प्रभावित करती हैं। बाकी जो ना धनी है ना मध्यम वर्गीय है, लेकिन इतने स्वाभिमानी भी है कि वो 5 किलो अनाज से उनका परिवार नहीं चलने वाला है, उनका जीवन नहीं चल, वो इस बात को समझ गए कि इन चीजों से हमें कुछ नहीं होने वाला, हमको तो स्थायी समाधान चाहिए अपने रोजगार का, अपनी आर्थिक स्थिति का। तो इसलिए आपका वहां तक सोचना ठीक है कि जहां बहुत ही ज्यादा निर्धन लोग हैं, अत्यंत गरीब हैं, उनको तो ये सपना प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो उनसे थोड़े ऊपर मार्जिनल स्थिति में, वो इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। देखिए, ये बेरोजगारी ये तो नया मुद्दा नहीं है, महंगाई ये भी नया मुद्दा नहीं है, तो इस बार क्या मुद्दा बनने का कोई संभावना है? यही सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूं। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस स्तर की महंगाई अब हुई है, इतनी तेजी से इतने कम समय में तो कभी नहीं हुई। आपको वो दिन याद होंगे जब सिर्फ प्याज का दाम बढ़ने पे सरकार गिर गई थी, ठीक है ना? तो इतने सारे सारे ही जितने जीन्स हैं बाजार में, सबके दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऐसी महंगाई लोगों ने कभी नहीं देखी, आम आदमी ने। उधर बैंकिंग व्यवस्था में जो बदलाव आया है, लोगों के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दर कम हुए हैं, सीनियर सिटीजन और पेंशन याफ्ता की जेब पर डाका डला है। तीसरी बात, रोजगार की बात आपने की, बेरोजगारी आजादी के समय से है, लेकिन कुछ कुछ रोजगार हमेशा हर सरकार में मिलते रहे, तो उसके सरकारी नौकरियां मिलती रही या कल कारखाने लगे, उद्योग लगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन से कल कारखाने लगे हैं पिछले 5 साल में जिसमें रोजगार पैदा हुआ? खुद भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़े हैं कि बेरोजगारी 45 साल में चरम सीमा पर है, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, हर एक में या तो पर्चे आउट हो गए या एग्जाम निरस्त हो गए या रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो जो थोड़ी बहुत आशा की किरण रहती थी युवाओं को, वो इस 5 साल में उन्हें देखने को नहीं मिली। इसलिए बेरोजगारी और महंगाई दोनों इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। फिर भी योगी जी का सरकार हर रोज अखबार में पूरा पन्ना विज्ञापन आ रहे कि उत्तर प्रदेश विकास का रास्ता में है, आपका हवाई अड्डा बन रहा है यहाँ पे, कोई राजमार्ग बन रहा है, एक्सप्रेस वे कहीं बन रहा है, ये विज्ञापन और एक कहानी आपको सुना रहे हैं। क्या क्या समस्या है? लोग क्या विश्वास कर रहे हैं जो योगी जी और मोदी जी का तस्वीर के साथ जो विज्ञापन हर अखबार में आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं? विज्ञापन में आपके कलकत्ता की माम जो हाईवे है वो दिखा दिया, बीजिंग का एयरपोर्ट दिखा दिया, अमेरिका की इंडस्ट्री दिखा दी, तो इस तरह बातें एक्सपोज हो गई ना। और दूसरी बात, मेरा हमेशा से मानना, मैं कोई भाजपा के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, जो भी सरकार बहुत ज्यादा विज्ञापन पे खर्च करती है, वो सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है पैसे से। और उसका कारण क्या होता है कि उनके पास जमीन पर दिखाने को कुछ नहीं होता। कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान, जितना ज्यादा विज्ञापन उतना कम काम। तो योगी सरकार में जितना विज्ञापन पर जोर दिया है, उससे उसका खोखलापन उजागर हुआ है। अच्छा विनीत जी, आपने गाय के बात किया, ये लवारिस गाय, ये गौशाला में जो हम कहानी सुन रहे हैं कि गौशाला में भी गाय मर रहा है, आपने बंद कर दिया गाय हत्या पूरा, आपने काउ स्लॉटर एकदम बैन कर दिया, ठीक है, कुछ मुसलमान लोग का रोजगार भी चला गया जो चमड़ा में काम में चमड़ा बना के जूता वगैरह वगैरह अलग अलग चीज बनाते हैं, वहां पे खत्म हो गया उनका कारोबार, उनका वो बेरोजगार हो गए। मगर सिर्फ मुसलमान की बात भूल जाइए, आज लोग चिंतित है कि ये गाय हमारा फसल खा रहा है, ये लावारिस गाय है, ये घूमता रहता रात भर हमें अपना जमीन के ऊपर, हमने क्या कैसे करें कि इन लोग हमारा फसल नहीं खाए, ये क्या मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। जाड़े की ठंडी रातों में डंडे लेकर बूढ़े लोगों को रात रात भर खेत रखाने पड़ रहे हैं, और वो गाय बैलों को डंडे से मार के घायल कर देते हैं, जान के उनकी टांगे तोड़ देते हैं कि वो खेत में ना पाए। गौ रक्षा के नाम पर सारे यूपी की गौशालाओं पर आरएसएस वालों ने अवैध कब्जे किए हैं। हमारे मथुरा में बड़ी बड़ी गौशालाओं में कब्जे कर लिए, कागजों में हेराफेरी की, अगर कोई ईमानदारी से
जहां मैं तो योगी जी को कई बार ट्विटर पर लिख चुका हूं कि अगर मथुरा जिले की जांच कराना चाहें तो मैं उनको एविडेंस दे सकता हूं कि किस तरह गौशालाओं पर अवैध कब्जे किए गए और फिर कब्जे करके उनमें गायों की रक्षा नहीं की गई, चारे की ग्रांट लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से गायों को सड़ में मरने के लिए छोड़ दिया और वहां बड़े बड़े भवन बना लिए गए, एयर कंडीशन ऑफिस बना लिए गए। एक और विषय के ऊपर एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के लिए लोगों का मौत, ये सरकार मानने के लिए तैयार, योगी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो विरोधी दल है वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सबके सामने हमने देखा गंगा किनारे में मिली सैकड़ों लोग गंगा में बह रहे थे। तो आप क्या लग रहे हैं, ये जो विशेष तरह से कोरोना के बाद योगी सरकार का जो भी कार्यक्रम, जो भी इसके ऊपर जो भी उनका जो जो प्रशासन जो भी किया है, ये क्या चुनावी मुद्दा है और आप क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता इस चुनाव में इसके ऊपर एक असर पड़ेगा? देखिए, ऑक्सीजन के बिना मौत नहीं हुई ये दावा केंद्र सरकार ने भी किया और राज्य सरकार ने भी किया, जो बिल्कुल झूठ है, सारी दुनिया ने महसूस किया। हम लोगों ने एक वृंदावन में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था जो वहां के संपन्न नागरिक हैं, क्योंकि दिन भर फोन आते थे ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, बेड चाहिए, और सारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेला, यहां तक कि उत्तर प्रदेश शासन के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन तक, दिल्ली लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की वाइफ तक मर गए बेड और ऑक्सीजन की कमी से, और कितने ही लोग मरे। तो इसलिए ये झूठ इन्होंने बहुत बड़ा बोला है। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बुरी तरह विफल रही हैं। कोविड पीरियड में कोई सरकारी अस्पताल में जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, प्राइवेट अस्पतालों ने जमकर लूटा है, गरीब से गरीब आदमी से 2 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक लिया है। ये बात लोगों को दिल में बहुत चुभी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव और विज्ञापन और स्ट्रेटेजी से लोगों को भुलाने की कोशिश करवाई जा रही होगी कि भाई आप इसको याद ना रखें, लेकिन जो विपक्ष है वो उसको बार बार याद दिला रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि लोगों तक ये बात उनकी याद रहती, क्योंकि कहावत ये भी है कि ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट लिव्ड, लोग पुरानी बात भूल जाते हैं, नई बात के काबे में आ जाते हैं। चलिए पिनी जी, अभी एक और मुद्दा, योगी सरकार बार बार कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, हम अपराधी डरे हुए हैं आज सरकार से। और आप लखीमपुर खेरी का बात किया और भी ऐसे बहुत सारे, आप जानते हैं आगरा में, सॉरी गोरखपुर में एक होटल में क्या हुई थी, लखनऊ में, आगरा में, अलग अलग जगह में बार बार योगी सरकार कह रहे हाथरस का घटना है, बहुत सारे ऐसे घटना हुआ, मगर बार बार योगी जी ये वादा कर रहे हैं कि हमारे समय सबसे अच्छा हमारा कानून व्यवस्था है और इससे भी बेहतर होगा दोबारा आप लोग। क्या आप समझते हैं कि लोग ये उनका जो भी कहना है मान रहे हैं लोग कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गया उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि योगी सरकार ने जो सबसे बड़ा, योगी जी ने खासकर सबसे बड़ा कदम उठाया शुरू से कि उन्होंने मुसलमानों को कंट्रोल किया और मुसलमानों में जो अपराधी एलिमेंट थे उनको बहुत सख्ती से उनके साथ वो पेश आए, आज तक आ रहे। इसका दो लाभ उनको हुआ, एक तो उनका हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, जो मध्यम वर्गीय हिंदू है, जो लोग हिंदू समझते हैं कि मुसलमान, जो एक तरह की एक द्वेष की भावना चली आ रही है, तो उसको लगा कि भाई योगी में वो दम है कि जो मुसलमानों को कंट्रोल कर सकते, बाकी तो कोई राजनीतिक दल ये नहीं करता, तो इसका उनको एक लाभ मिला। दूसरी बात, जो व्यापारी वर्ग है वो जो अराजकता से थोड़ा परेशान रहता था, उसको लोग चंदा उगाही वगैरह इस तरह की चीजें तंग करते थे, तो उनको भी उस तरह से राहत मिली और ये भी उनके पक्ष में गया भाजपा के। लेकिन ये कहना कि योगी राज में गुंडागर्दी नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है। कितने ही लड़कियों के बलात्कार भाजपा के नेताओं ने करे और उनको बचाया गया, हाथरस की घटना आपने बताई, गोरखपुर में व्यापारी को कैसे मारा, एसएसपी रिश्वत मांग रहा था 10 लाख रुपया, वो व्यापारी नहीं दे पाया, उसने आत्महत्या कर ली, वो एसएसपी 1.5 साल से फरार है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और तमाम इस तरह कैब की रिपोर्ट आई है कि किस तरह कुंभ हरिद्वार में भ्रष्टाचार हुआ और वही वाले कलेक्टर को गोरखपुर में पोस्ट कर दिया गया जो गोरखपुर
योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कुल मिला के, अच्छा इसके अलावा मेरा अपना अनुभव रहा, आप जानते हैं कि 1993 में जब मैंने जय नवाला कांड खोला था तो उस वक्त यूपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और मैंने 115 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता थे, जनता दल के थे, भाजपा के थे और दूसरे दलों के थे, लेकिन किसी ने इस तरह प्रताड़ित नहीं किया। सालों मुकदमा चला, उस वक्त के चुनाव आयुक्त शेषन और मैं पूरे देश में भाषण देने जाते थे, जनसभाएं करते थे जन मतदाता जागरूकता अभियान में, और इस तरह का हाँ धमकियां आती रही, करोड़ों रुपए के रिश्वत के लालच भी आए, इनडायरेक्टली अटैक भी हुए दफ्तर पे घर में, लेकिन इस तरह लीगल फ्रेम में फंसा के आवाज को बंद करने का कोशिश किसी ने नहीं किया। विनीत जी, आपने कांग्रेस के बात किया, मैं कांग्रेस के बारे में दोबारा आपसे एक सवाल और करूंगा, मगर उससे पहले आपने पत्रकार, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार है, आपका कॉलम है, आपका लेख है, 20-22 अखबारों में, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में आपका छपते हैं हर हफ्ता, किस तरह से योगी सरकार पत्रकार के ऊपर किस तरह से व्यवहार किया आप जानते हैं। सिद्दीक कप्पान आज भी जेल में है, उसका क्या है, वो हाथरस गया रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर पत्रकार को हत्या भी किया, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, अपहरण हुई है पत्रकार लोगों को, पत्रकार के ऊपर अलग अलग तरह मुकदमा, अलग अलग मामला, मानहानि क्या नहीं है। अगर एक पत्रकार अपना काम करने चाह रहे, ठीक है, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं अपराध किसी ने किया, दलित के ऊपर कुछ, अल्पसंख्यक के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, आप रिपोर्टिंग करेंगे, आप सूचना देंगे, तो क्या हालत हो। आपने देखा दैनिक भास्कर के ऊपर क्या हुआ, एक के बाद एक उन्होंने 21 रिपोर्टर अलग अलग 17 जिला में जाके गंगा का ऊपर नीच इधर उधर करके उन्होंने जब रिपोर्ट किया, और फिर आयकर विभाग का छापा पड़ गया। तो ये मोदी जी का सरकार दिल्ली में और योगी जी का सरकार लखनऊ में पत्रकार के ऊपर इनके व्यवहार के बारे में आप कुछ कहिए। देखिए 71 में इंदिरा जी बांग्लादेश की विजय के बाद अंतरराष्ट्रीय छवि की बहुत सशक्त नेता बन गई थी। भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, तब जनसंघ थी, कि वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पूरे देश में उनके यश के जुलूस निकाले गए। लेकिन जेपी मूवमेंट के बाद जिस तरह उन्होंने आपातकाल लगाया और पत्रकारों का गला घोटा, उसका नतीजा निकला कि 77 के चुनाव में दुर्गति हो गई, कांग्रेस सत्ता चली गई। मेरा हमेशा से कहना रहा है, हम और आप लोग सब राजनेताओं से जवानी के दिनों से मिलते रहे हैं, मित्रता रही है, जो राजनेता जो सरकार पत्रकारों को डेमोक्रेसी में दबाती है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती है। क्योंकि जब एओ ह्यून ने कांग्रेस की स्थापना में मदद की और सेक्रेटरी इंडिया ने पूछा गुस्सा करके चिट्ठी लिखकर कि तुम क्या कर रहे हो हमारे शासन के विरुद्ध, क्या गतिविधि कर रहे हो, तो एओ ह्यून ने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रहा हूं ताकि जो गुस्सा है उसकी स्टीम निकल जाए और हम लोग हुकूमत कर सके। पत्रकार जो होता है वो शासन की स्टीम निकालने का काम करता है। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो फिर से हवाला कायम की बात कहूंगा, कांग्रेस के 44 बड़े नेताओं के खिलाफ मैंने आरोप पत्र दाखिल करवाए थे सीबीआई से, उनके खिलाफ केस लड़ा, लेकिन उन्होंने मेरा असम्मान कभी नहीं किया, हमेशा सम्मान किया, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे राजेश पायलट हो, चाहे बलराम जाखड़ हो, जितने भी कांग्रेस के नेता हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, जहां मैं जाता था जाता रहा हूं, सबने सम्मान, आरिफ मोहम्मद खान साहब, लाल कृष्ण अडवाणी, और क्यों, एक बार मैंने कमलनाथ से कहा कि शुरू में मैंने कहा मैं आप तो बहुत दुखी होंगे, आप सब 80 से लगातार सांसद रहे और मेरे कारण आपको एक बार 96 में संसद छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। बोले देखो अगर तुम ब्लैकमेलर होते, अगर तुम एक दल के कहने से दूसरे दल पर अटैक कर रहे होते तो हमको बुरा लगता, पर तुम तो एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हो, तुमने बंदूक उठाई और सब पर गोली चला दी, तो उसमें जो भी हुआ अदालत ने किया, सीबीआई ने, तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये मैग्नानिमिटी है, ये जेनरोसिटी है, ये बड़े हृदय की विशालता है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, आपके खिलाफ भाषण दे रहा है, आपके खिलाफ लिख रहा है, उसका भी आप सम्मान कर रहे हो। अगर ये भाजपा के नेता मोदी जी योगी
जी, अन्य नेता है, समझ रहे। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। अडवाणी जी थे वाजपेयी, अडवाणी जी हवाला में चार्जशीट हुए, पर मेरे छोटे भाई की शादी में राम रथ यात्रा जिस दिन खत्म करके दिल्ली पहुंचे, मेरे छोटे भाई की शादी चाणकपुरी में थी, लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग आके शादी में खड़े हो गए। अपने आलोचक को अपने घर के आंगन में चारपाई पर सुला के रखो, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के तुम्हारे गंदगी को धो देता है। हम पत्रकार लोग इनकी गंदगी धोने के लिए हैं। अगर हमको तब प्रताड़ित करेंगे, मुकदमे करेंगे, छापे डालेंगे, जेल में डालेंगे, तो क्या होगा? इन तक आवाम की आवाज नहीं पहुंचेगी, जनता की आवाज नहीं पहुंचेगी, और फिर जब मौका लगेगा तो सबक सिखाएगी। विनय जी, अभी वक्त कम है, एक दो और सवाल है मेरा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सरकार जो पत्रकार के बारे में आपने कहा, सहनशीलता तो भूल ही जाइए, बदला लेने का मौसम। असहनशील भी है और बदला लेने का मौसम। एक सवाल है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आप देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, इस बार जिस तरह प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में मिलाओ ये जो प्रतिनिधित्व का रोल दिख रहा है, आपका क्या लग रहा है, इसका कांग्रेस के लिए फायदा होगा? ज्यादा विधायक आएंगे, ज्यादा विधानसभा में वो जीतने का कोई संभावना है, क्या लग रहा है? बहुत पहले प्रियंका को लॉन्च हो जाना चाहिए था। प्रियंका की पर्सनैलिटी में कैरिश्मा है, और कांग्रेस पार्टी का भी एक कमिटेड वोट और कैडर पूरे देश में है जो हिला नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। जो उन्होंने नारा उठाया महिलाओं को सशक्तिकरण का, वो लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में वो कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगी इसकी संभावना कम है, लेकिन ये उत्साह अच्छा है। लोकतंत्र में बड़े दलों को मजबूत रहना चाहिए ताकि चेक और बैलेंस बनते हैं। ना तो भाजपा का ये कहना सही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और ना कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो भाजपा मुक्त भारत करेगी। सभी दल अपनी बात रखें और जनता तय करे कि वो किससे शासन कराना चाहती है। प्रियंका गांधी का प्रयास अच्छा है, अगर वो लगी रहेंगी तो आगे 24 तक स्थितियां उनके लिए बढ़िया बन सकती हैं। अभी तो कोई उत्तर प्रदेश बहुत संभावना दिखाई दी, थोड़ा बहुत सफलता मिलेगी जहां उनका कमिटेड वोट है। आखिरी सवाल, देखिए अगर कांग्रेस की बात कीजिए, इससे पहले आपने बहुजन समाज पार्टी का बात किया, जो भी बीजेपी के खिलाफ जो वोट है अगर बांट जाता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी है और भी छोटे छोटे राजनीतिक दल भी है। मगर जो आपने पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण का बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार होने का, क्या संभावना है? आप थोड़ा क्या आपका लग रहा है आने वाले, अभी भी समय है, क्या नतीजा होगा, क्या लग रहा है भविष्यवाणी? देखिए मैं बहुत गहराई से इसका एनालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिकल फिगर्स नहीं है, कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड, पर मैं ये बता सकता हूं कि जहां जनता आहत है योगी सरकार से, दुखी है, कोई वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, और उनको लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट मजबूत है तो वो उसके साथ चले जाएंगे, और अगर उनको लगेगा कि सामने वाला कैंडिडेट मजबूत नहीं है या उनका कोई अपना प्रिजुडिस है किसी खास पार्टी या जाति से, तो फिर वो उनके वोट दाएं बाएं जाएंगे। चुनाव इस बार समाजवादी, आरएलडी, गठबंधन और भाजपा के बीच में ये वोट कटेंगे, लेकिन वोट दोनों ही दलों के कटेंगे, भाजपा के भी कटेंगे और समाजवादी और इनके भी कटेंगे। अब वो कटने के बाद नेट रिजल्ट क्या आता है, किसकी फिगर टैली ज्यादा आगे जाती है, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद विनीत जी, आपने विस्तार से, बारीकी से बहुत सारे सवाल आपको उठाया, आपने न्यूज़पेपर को, दर्शक को बहुत कुछ समझाया, धन्यवाद, नमस्कार। आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक, इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।